वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं राहुल, कार इंट्रो में आप लोगों का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो है जो हमारी, आपको लोगों को पता ही है कि हमारी सीरीज़ चल रही है कार ड्राइविंग स्कूल की। तो कल आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की सीरीज़ हमारी देख ली थी, फर्स्ट पार्ट था। आज आप लोगों ने हमारा सेकंड पार्ट शूट करने आए हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आपको ऊपर आई बटन के अंदर वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कल हम लोगों ने बात करी थी कि इंट्रोडक्शन के बारे में, गाड़ी के गियर कैसे होते हैं, गाड़ी का क्लच कहाँ पे होता है, रेस ब्रेक, ठीक है, इंडिकेटर्स और बाकी जो कंट्रोल्स होते हैं। तो अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स गाड़ी के, कि हमें गाड़ी का फर्स्ट गियर डाल के गाड़ी कैसे ड्राइव करनी है, गाड़ी का सेकंड गियर कब डलता है, कहाँ डलता है, हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी ड्राइव करने से पहले आप लोगों को शूज़ पहनने हैं, क्योंकि स्लीपर्स हो गए, सैंडल्स हो गए, उन पर हाईवे पर चलाने हैं, ठीक है। और दूसरा, जब हम लोग गाड़ी के अंदर क्लच छोड़ते हैं तो जो हम लोगों को हमेशा शूज़ पहनने ही चाहिए, क्योंकि पता क्या, गाड़ी चलाते टाइम पे ना शूज़ ज़्यादा बेनिफिट देते हैं गाड़ी ड्राइव करते टाइम पे। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब जो फर्स्ट गियर होता है गाड़ी का, वो कैसे होता है तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को गाड़ी ऑन करनी है, पहले स्विच में आप लोगों की गाड़ी ऑन होएगी, ठीक है। सेकंड स्विच में आप लोगों के गाड़ी के इग्निशंस हो गए, ठीक है, वो आप लोगों को शो होंगे, प्लस आपका फ़ैन चलेगा। अब थर्ड गियर में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो क्लच दबाना है पूरा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो, मैंने पूरा क्लच दबा दिया। अब मैंने सेल्फ मारा, चाहे मेरी गाड़ी न्यूट्रल भी हो, मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, ठीक है। फिर मैंने क्लच छोड़ दिया, क्योंकि मेरे को पता है कि मेरी गाड़ी न्यूट्रल में थी, मैंने फिर भी क्लच दबाया, क्योंकि आजकल के जो टाइम में जो गाड़ियाँ चल रही हैं उनमें क्या होता है, बिना क्लच दबाए गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब मैं आप लोगों को एक और बात बता दूँ, अब हम लोगों को गाड़ी ड्राइव करना, तो हम गाड़ी कैसे ड्राइव करेंगे। तो अब देखो, सबसे पहले तो हमें ऐसे क्लच दबाना है, या आप लोगों को 2 से 3 दिन खड़ी गाड़ी में ही प्रैक्टिस करनी है क्लच दबाया, ठीक है। अब आप देखो, ये गियर है, अब गियर क्या क्या है, अब जैसे आप देख रहे हो इसमें फर्स्ट लिखा है ना, तो मैंने आप लोगों को जैसे बताया था, इसको थोड़ा सा ऐसे करके स्ट्रेट पुश करना है, ठीक है। अब आप लोग मेरे पैर की तरफ देखिए, मेरे को एडी नहीं उठानी। अब ये देखो, मेरी एडी वहीं है, मेरा सिर्फ पंजा उठेगा फ्रेंड्स। और अब देखो, हल्का सा, बिल्कुल ना के बराबर रेस के ऊपर, हमने हल्का सा रेस के ऊपर पैर रखना है। ये देखो, अब आप लोगों जैसे, ये देखो, मैं जैसे एडी से पैर अपना, मैं जैसे क्लच से पैर उठा रहा हूँ, तो मेरी एडी नहीं उठेगी, मेरी हल्की 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 रेस चलेगी, ताकि मैं अपनी गाड़ी को आगे मूविंग कंडीशन में लेके आ सकूँ। जैसे आप लोग देख रहे हो, अब देखो मेरी गाड़ी मूविंग में स्टार्ट हो गई है, ठीक है। अब आप लोग देख रहे हो मेरी गाड़ी चलनी शुरू हो गई। अब ये देखो, जैसे गाड़ी चल पड़ी तो नीचे देखो, मैं अपने क्लच पर से पैर हटा दूँ, मैंने पैर हटा दिया। अब मैं रेस दे देकर अपनी गाड़ी को थोड़ी सी स्पीड दूंगा, फिर मैं गाड़ी का सेकंड गियर शिफ्ट कर दूँगा। सो फ्रेंड्स, अब जैसे आप लोगों ने देखा कि मैंने गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के गाड़ी ड्राइव करी, ठीक है। ऐसी गाड़ी की हमारी स्पीड इंक्रीज़ करने के लिए हमें एक्सीलेट करना है, जैसे मैंने आपको रेस का बताया था, ठीक है। तो गाड़ी की स्पीड इंक्रीज़ होगी, फिर उसके बाद आपको सेकंड गियर शिफ्ट करना है। तो अब हम बात करेंगे सेकंड गियर कैसे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो वो हम बात करेंगे अब, जैसे अब ये देखो, आपने देखा था फर्स्ट गियर में कैसे शिफ्ट करते हैं, फिर आपने देखा सेकंड गियर। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेकंड गियर हम लोग गाड़ी को कैसे शिफ्ट करेंगे। अब हम लोग को गाड़ी, अब हम लोग गाड़ी रोड पर लेके जाते हैं, फिर मैं आप लोगों को सारा फुल डिटेल्ड बताता हूँ। आप लोग गाड़ी में बैठते वक्त एक चीज़ बड़ा सोचते होगे कि गाड़ी के अंदर स्टेयरिंग में हमें ये 1, 2, 3 ऐसा क्यों देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, एक्चुअली क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ। अब जैसे आप देख रहे हो कि मेरी गाड़ी का बिल्कुल सीधा है, तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरी गाड़ी के व्हील्स है ना, वो प्रॉपर स्ट्रेट है, ठीक है। अब अगर मैं ऐसे करूँगा तो मेरे जो गाड़ी के, अब जैसे आप देख रहे हो ये ऐसे है, तो मेरी गाड़ी के व्हील्स जो हैं उस तरफ है, ठीक है। अब ये और इसको ऐसे करूँगा तो फ्रेंड्स क्या होगा, इससे ना मेरी गाड़ी के जो व्हील्स हैं, हमें पता लग रहा है कि मेरी गाड़ी के व्हील्स सीधे नहीं है। तो इसके लिए हमें इसको ऐसे करके, ये अब मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग जब सीधा, तो मेरी गाड़ी के जो व्हील्स हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो गए। सो फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों को जैसे बता था कि मैं आप लोगों को गाड़ी की रनिंग दिखाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड गियर हमने कैसे शिफ्ट करना है रनिंग कार के अंदर, ठीक है। तो हमने सबसे पहले क्लच दबाना है, और गियर को आपको जैसे मैंने बताया था कि आप लोगों ने पहले गियर की प्रैक्टिस कर लेना, तो हमने सबसे पहले जैसे गियर को फर्स्ट गियर में शिफ्ट किया। अब मैंने हैंड ब्रेक डाउन करी, ठीक है, हल्की सी ब्रेक के ऊपर, चाचा कहाँ से, हल्की सी ब्रेक के ऊपर ना मैंने, रेस के ऊपर हल्का सा मैंने पैर रखा। अब ये देखो, मेरी गाड़ी मूविंग में जा रही है। जैसे ही अब मेरे पैर की तरफ देखिए, अब जैसे मेरी गाड़ी मूविंग के अंदर चलेगी ना, गाड़ी चल पड़ी, तो मैंने क्लच के ऊपर से पैर डाल लिया, क्योंकि अगर हम क्लच को दबा के रखते हैं तो फ्रेंड्स पता है क्या होता है, मैं आप लोगों को बता दूँ कि इससे क्या होगा, हमारी गाड़ी का जो क्लच प्लेट है ना, वो हमारी जल जाते हैं, ठीक है। तो इससे हमारे क्लच प्लेट का वियर एंड टीयर होने का भी बॉर्डर रहता है, अगर हम चलती गाड़ी का क्लच को दबा के रखते हैं। तो अब देखो, अब जैसे मैं गाड़ी चला दी, मेरी गाड़ी चल गई थोड़ी सी स्पीड पकड़ गई, अब ये जैसे गाड़ी स्पीड पकड़ गई तो मैंने क्लच दबाया, रेस से पैर हटाया, गियर को पीछे करके सेकंड गियर में शिफ्ट कर, क्लच पे पैर, क्लच से पैर हटाया और रेस को इंक्रीज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इससे क्या होगा, मेरी गाड़ी थोड़ी सी स्पीड पकड़ गई, अब मेरी गाड़ी सेकंड गियर के अंदर है, फर्स्ट गियर में आई थी पहले, फिर सेकंड गियर में आई, अब मेरी गाड़ी ऐसे रनिंग मोड में है। आप लोग देख रहे हो, बिल्कुल रनिंग मोड में चलती है मेरी गाड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही आपको पहले 2 दिन तो प्रैक्टिस करनी है कि फर्स्ट और सेकंड गियर के अंदर हमने गाड़ी कैसे चलानी है। अब गाड़ी मेरे को रोकनी है तो मैं गाड़ी को कैसे रोकूंगा फ्रेंड्स, देखो हमें गाड़ी रोकनी है, मैं पहले सबसे पहले एक्सीलेटर से पैर हटाऊंगा, फिर मैं हल्की हल्की ब्रेक सबसे पहले मैं क्लच दबा के फिर हल्की हल्की ब्रेक मारूंगा, ब्रेक मारती मेरी गाड़ी रुक गई। अब आप लोग देखो, अब गाड़ी रुकने के बाद हमने क्या करना, अगर हम इसको ऐसे यूँ क्लच को छोड़ देंगे तो क्या होगा, हमारी गाड़ी झटका मार के बंद हो जाएगी,
ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक के ऊपर पैर दबा के रखना, ब्रेक पे पैर दबाना और क्लच को पूरा दबा के रखना। फिर हमें इसको सबसे पहले न्यूट्रल करना है। मैं न्यूट्रल कर दिया, अब मैं क्लच से पैर नहीं हटाना, मैंने सबसे पहले देखना है कि मेरी गाड़ी न्यूट्रल है, जितनी इधर जा रही है उतनी उधर जा रही है, हाँ मेरी गाड़ी न्यूट्रल है। फिर मैंने फिर भी ब्रेक पर पैर दबाना और हल्का 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 क्लच छोड़ देना। अब मैं देख लिया कोई गाड़ी ने झटका नहीं मारा, ब्रेक पे से पैर हटा देना और हैंड ब्रेक को अप कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पता लगता है कि गाड़ी कैसे रोकनी है, कैसे चलानी है और क्या करना है। ठीक है, आप लोगों को मैंने फर्स्ट और सेकंड गियर बता दिया। सो फ्रेंड्स, आप लोगों ने गाड़ी की रनिंग देख ली कि हमने पहले गियर के अंदर कैसे गाड़ी ड्राइव करनी है और दूसरा गियर हमने कैसे शिफ्ट करना है। ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने देख लिया कि हमें गाड़ी कैसे रोकनी है, गाड़ी के अंदर ब्रेक कब मारनी है, गाड़ी की हैंड ब्रेक कब खींचनी है, और तीसरा आपने देख लिया कि हमें गाड़ी को जब हम गाड़ी को रोड पर चलाते हैं तो उस टाइम पर हमें क्या क्या ध्यान रखना है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप लोग चैनल पर मेरे नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो देखी तो आपको ऊपर आई बटन के ऊपर लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर जाकर मेरी इंट्रोडक्शन वाली वीडियोज़ देख लीजिए। मेरी और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इसके अलावा आपको और अदर वीडियोस चाहिए हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे को बता दीजिए कि आपको कैसी वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर्पस उस टॉपिक के ऊपर आपके पास वीडियो बना के आ जाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।